हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयशा है और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा। तो ये बात तब की है जब मैं अपनी खाला की फैमिली के साथ घूमने गई थी। तब मेरे खालू ने कहा कि हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमें सिर्फ नेचर देखने को मिलेगा। और फिर हमारे खालू हम लोगों को अपने एक फ्रेंड के घर लेकर गए जो कि मध्य प्रदेश में था, और उस वक्त मेरी उम्र करीब 15 या 16 साल की थी और मुझे ज़्यादातर बाल खोल कर रहना पसंद था। लेकिन मेरी अम्मी हमेशा मना करती थी कि बेटी अपने बालों को ज़्यादा खुला मत रखा करो, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देती थी। मेरे खालू के फ्रेंड का घर बहुत ही अच्छी जगह था। उनके घर के पीछे एक घना जंगल था जिसे देखकर मेरा दिल उस जंगल में घूमने को हुआ। तो मैंने अपने खाला से कहा, खाला चलो ना हम लोग जंगल में एक राउंड मार कर आते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमने खाना खाया और फिर हम जंगल में घूमने के लिए निकल गए। उस वक्त मैंने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी और अपने बालों को खोल रखा था। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि लाल कलर के कपड़े पहनकर कभी भी सुनसान जगह या कब्रिस्तान या कोई डरावनी जगह हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी शक्तियां हम पर ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन उस वक्त मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था। तो हम लोग घूमने के लिए निकल गए और जंगल के अंदर जाते ही हमें एक बड़ा सा झरना दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और मैं इधर उधर पानी में कूदने लगी। और दूसरी तरफ मेरे खाला और खालू साथ में खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। घूमते घूमते मैं झरने के किनारे चली गई जहाँ पर थोड़ी सी गहराई थी। मैंने जैसे ही उसमें अपना हाथ डाला तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पानी में खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं ज़ोर से चिल्लाई और अपने खाला को बुलाने लगी। तभी मेरे खाला और खालू दौड़ते हुए मेरे पास आए। फिर मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि कोई मुझे पानी में खींचने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे खाला ने डांटते हुए कहा कि तुम्हें इस तरह अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी सुनसान जगहों पर बुरी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन उस वक्त जो होना था वो तो हो गया। उसके बाद हम खाला के ननद के गांव के लिए निकल गए। लेकिन इसके बाद से मुझे अजीब लगना शुरू हो गया था, जैसे मेरे सर में दर्द रहना और रह रहकर मेरा पेट और पैर दर्द होने लगते थे। लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम वहाँ पहुँचे और सबसे मिले। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे तो उन्होंने कहा, चलो ना दीदी खेलते हैं हम सब। मैं उनके साथ बाहर तो चली गई लेकिन मेरा खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैं उन लोगों को खेलता हुआ देख रही थी। तभी उनकी ननद की लड़की बोलती है, चलो ना दीदी हम लोग खेलते हैं ना। जब उसने काफ़ी ज़िद किया तो मैंने कहा, ठीक है चलो हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। हम सभी बहुत अजीब अजीब जगह छुप रहे थे। तभी एक लड़का जो कि मेरे ही एज का था, उसने कहा, चलो हम लोग झाड़ी के पीछे छिपते हैं। तो मैंने मन में सोचा कि ये लड़का तो हमारे साथ नहीं खेल रहा था। फिर मुझे लगा शायद ये भी खेल रहा होगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं उसके साथ झाड़ी के पीछे छिप गई। लेकिन वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद से ही मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा तो कुछ नहीं महसूस होता था, लेकिन हमेशा ऐसा लगता कि कोई मेरे साथ साथ हर जगह रहता है। वैसे तो मैं बचपन से ही बहुत डरपोक थी और जब ऐसी आहट सुनती तो डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो जाती। लेकिन ये बात मैं किसी से कह नहीं पाई, मुझे लगा कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। लेकिन एक बात और होती थी जो कि इससे भी ज़्यादा डरावनी थी, कि हर समय एक काली बिल्ली मेरे आसपास हमेशा घूमती रहती थी। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर जिन बिल्ली के रूप में ही रहते हैं। मैं जब भी नहाती थी तो वो काली बिल्ली मुझे बड़े ही ध्यान से देखती रहती थी। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगता था और उसकी आँखें बिल्कुल चमकती रहती थी। इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। अब मेरे सीने में भी बहुत दर्द होने लगा था और मेरे बाल भी झड़ने लगे थे और मेरा पूरा शरीर रात को बहुत दर्द करता था और मेरे सिर के एक साइड हमेशा दर्द रहता था।
मैं रात को जब भी सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे शरीर पर चढ़ा हुआ है और मेरा पूरा शरीर एकदम भारी सा लगता था। और सुबह होते ही मेरा पूरा बॉडी बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था। इस बात को बीते 2 साल हो चुके हैं और उस वक्त मुझे भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। कहानियों को सुनते सुनते मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी थी इन सब के बारे में, तो मुझे लगा शायद किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करा रखा है जिसकी वजह से मुझे ये सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। तो ये बात मैंने अपनी अम्मी को बताई, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा, तू पागल हो गई है क्या, ये सारी फिजूल की बातें हैं। उस वक्त मेरी अम्मी ने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये सारी तकलीफ़ें बढ़ती चली गई। तब मेरी अम्मी को भी लगा शायद मेरी बेटी सही कह रही है। अब मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेरा अब ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही मुझे भूख लगती थी। मेरा शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था और मेरे अंदर खून की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी। फिर एक दिन हम लोग अपनी बड़ी खाला के घर गए तो वहाँ मेरी अम्मी ने एक बाबा को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मुझ पर एक जिन्न का साया है और वो जिन्न मुझे बहुत पसंद करता है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन उस बाबा ने कहा कि हमें उस जिन्न को इस बच्ची के शरीर से अलग करना होगा, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जिन्न इसे अंदर से खोखला करके इसे अपनी दुनिया में लेकर चला जाएगा। ये सुनकर मेरी अम्मी घबरा गई और उन्होंने कहा, बाबा फिर हम आगे क्या करें, आप ही बताइए। फिर बाबा ने कहा कि मुझे 11 दिन का चिल्ला करना होगा, तभी जाकर वो जिन्न इस बच्ची के शरीर से अलग होगा। इसके बाद उस बाबा ने 11 दिन का चिल्ला पूरा किया और मेरे शरीर से उस जिन्न को निकाल दिया। उसके बाद से सब कुछ सही हो गया और मेरे साथ फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, जब भी मैं कोई काली बिल्ली देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है और वो सारी बातें याद आने लगती हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम समरा है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो दास्तान सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपका भी दोस्ती पर से भरोसा उठ जाए, क्योंकि जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा माना था उसी ने मेरे पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। कहते हैं ना कि काला जादू एक ऐसी क्रिया है जिसे करके लोग अपनी अनचाही मनोकामनाएँ पूरी कर लेते हैं बिना उसका अंजाम जाने, लेकिन उसका जो असर होता है उससे अच्छे खासे इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ये बात उन दिनों की है जब हाल ही में मेरा स्कूल ख़त्म हुआ और उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मेरे साथ मेरी सहेली काया, जो कि स्कूल टाइम से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड रही थी, उसने भी साथ में एडमिशन लिया था। काया मेरी जान, मेरी क्राइम पार्टनर, मेरी सुख दुख के साथी, या यूँ कहूँ मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जिसके बगैर मेरा एक दिन नहीं गुजरता था। हमने स्कूल टाइम से ही एक वादा कर रखा था कि हम एक साथ कॉलेज ख़त्म करेंगे, एक साथ जॉब करेंगे। हमने स्कूल टाइम से ही एक वादा कर रखा था कि हम एक साथ कॉलेज ख़त्म करेंगे, एक साथ जॉब करेंगे, उसके बाद एक साथ शादी भी करेंगे एक ही दिन, मगर अलग अलग लड़के से। हमने एक दूसरे को ये प्रॉमिस भी किया था कि हम में से जिसको भी पहले प्यार होगा वो सबसे पहले आकर बताएगा और फिर हम एक दूसरे के लिए डिसाइड करेंगे कि ये लड़का उसके लिए अच्छा है या बुरा। हमने पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर रखा था, इसलिए हमारे बीच कोई भी गलत फहमी नहीं होती थी। काया और मैं एक ही अपार्टमेंट शेयर करते थे, यानी कि हम शेयरिंग फ्लैट में रहते थे, और ये हमने कॉलेज ज्वाइन करते ही ले लिया था रेंट पर। हमारा डेली रूटीन भी बहुत सिमिलर था, जैसे एक साथ कॉलेज, मार्केट, शॉपिंग, जिम आना जाना। लेकिन कॉलेज के शुरुआती कुछ दिन बहुत बोरिंग थे क्योंकि वही क्लास, लेक्चर वगैरह वगैरह। लेकिन एक दिन हमारी क्लास में एक नया लड़का आया। वैसे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे आसपास हज़ारों लोग होते हैं, मगर दिल
किसी एक को ही देखकर धड़कता है। और यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था उस दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा। उसका लुक, उसकी पर्सनैलिटी, उसका स्टाइल सब हटके था, और यही सब देखकर मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। वो कहते हैं ना कि पहली नज़र वाला प्यार, तो वो कुछ ऐसा ही था, और उसे देखते ही मैं उस पर फिदा हो गई थी। बहरहाल जब उसने क्लास में कदम रखा तो सभी लड़कियां उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब पर अपना जादू बिखेर दिया हो। उसके आते ही क्लास का माहौल खुशनुमा सा हो गया था। फिर हमारे प्रोफेसर आए, उन्होंने आते ही हम सब से उसे इंट्रोड्यूस करवाया ये कहते हुए कि इसका नाम आमिर है और आज से ये आपके साथ ही पढ़ेगा, तो आई होप आप लोग इसके साथ अच्छे से पेश आएंगे और इसे अपना दोस्त बनाएंगे। अब भाई, इतने हैंडसम लड़के को कौन अपना दोस्त नहीं बनाना चाहेगा। मैं तो पहले से तैयार बैठी थी कि कब ये मेरे साथ आकर बैठ जाए और कब हमारी बातें शुरू हो। मैं ऐसी सोच में थी कि तभी वो मेरे सामने से गुजरते हुए मेरे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और उसे देखकर मेरा एक्साइटेड चेहरा उतर गया। उस दिन काया कॉलेज नहीं आई थी क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम था, वरना वो होती तो पक्का मेरी क्लास ले लेती। इस बात पर कि मैं ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था कि लड़कों को ताकना, उनसे फ्लर्ट करना, उनको कॉम्प्लीमेंट करना या उनके साथ हैंग आउट करना। वो ज़रा सीरियस किस्म की बंदी थी और सबसे हमेशा सड़ी सड़ी रहती थी सिवाय मेरे। अब आमिर के क्लास में आने से क्लास का माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि जैसे हमारे क्लास में कोई सेलिब्रिटी पढ़ने आ गया हो और सब उसके इर्द गिर्द घूम कर उसे स्पेशल फील करवा रहे होते हैं। हाँ ठीक है कि मैं मानती हूँ कि वो हैंडसम लड़का है, मगर अब मैं इतनी भी डेस्पो नहीं थी कि कोई इतनी गंदी तरह से मुझे इग्नोर कर जाए और मैं उसके पीछे पीछे घूमूं। उसकी एक इग्नोरेंस ने मुझे उसकी तरफ से बेजार दिल कर दिया था, यानी कि अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्योंकि अगर लड़का होकर वो इतना भाव खा सकता है तो फिर सोचो, मैं तो एक लड़की हूँ, कैसे भाव न खाती। और उस दिन से मैंने भी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। कॉलेज के अगले दिन मैं सुबह सुबह खूब अच्छे से तैयार हो रही थी क्योंकि आज कॉलेज में कोई कल्चर प्रोग्राम था और आज मैं फुल इंडियन लुक लेकर जा रही थी, बिल्कुल एक इंडियन ड्रामे की मेन एक्ट्रेस की तरह। लेकिन मुझे यूं सजा सवरा सेल्फी लेते देख काया मेरे पास आई और बड़ी हैरानगी भरा चेहरा बनाकर बोली, अच्छा मैडम, ये आज किस खुशी में इतनी जम के तैयार हो रही हो तुम? क्या कोई तुम्हें देखने आ रहा है? तो मैंने सेल्फी लेते लेते ही कहा, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कॉलेज में कल्चर प्रोग्राम है ना, तो बस मैंने पहन लिया। वैसे बता तो मैं कैसी लग रही हूँ? तो उसने कहा, अरे मेरी जान, तू तो हर लुक में अच्छी लगती है और आज तो कॉलेज में लड़के तुझ पे सब मर मिटेंगे। उसका इतना कहना था कि मैं खुशी से उछल कर उसके गले लगते हुए बोली, ओहो मेरी जान, सच में भगवान करे तेरे मुँह में घी शक्कर हो, क्या सच में वो मुझ पर फ़ायदा हो जाएगा? वो? काया अपना हैरानगी भरा चेहरा लिए पूछती है, ये वो कौन है भला? तो इस पर मैंने बात घुमा दी, उसे ये कह दिया कि अरे जल्दी चलो यार कॉलेज, नहीं तो देर हो जाएगी। अब मैं भला उसे क्या बताती कि मैं इतनी तैयार क्यों हुई थी और किसकी एक नज़र पाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही थी। कॉलेज पहुंचकर हम दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। कल्चर प्रोग्राम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सभी ने इंडियन वेस्टर्न लुक ले रखा था और सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं काया को लेकर क्लास के अंदर जा पहुंची। क्लास में काफ़ी शोर हो रहा था क्योंकि सभी अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। इस बीच मेरी नज़र उस हैंडसम चेहरे की तलाश करने लगी, यानी कि आमिर का, जो अब तक कॉलेज नहीं आया था। मेरी निगाहें उसे ही तलाश रही थी और मुझे यूँ इधर उधर ताकते देख काया पूछने लगी कि तेरा ध्यान किधर है, तू किसे ढूंढ रही है? उस समय तो मैंने जैसे तैसे करके बात घुमा दी थी, मगर उसने मेरे बर्ताव से सब भाप लिया था। तभी वो मुझसे कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। अब मैं उसके सवालिया नज़र का कैसे सामना करूँ? ये सोच सोच कर मैं उससे नज़रें चुराती हुई जैसे ही रफू चक्कर होने को मुड़ी
कि तभी मेरा सर सामने आ रहे आमिर के सीने से जा टकराया। वो अपनी धुन में था और मैं अपनी धुन में। मैं अपना सर पकड़े अपने दर्द का इजहार करती कि तभी उसने मेरे सर को सहलाते हुए पूछा, तो तुम ठीक तो हो ना? दिखाओ कहाँ चोट आई है। और उसके यूँ पूछते ही जैसे मैं कहीं गुमसी हो गई। ये देख वहाँ सभी लोग घेरा बनाकर खड़े हो गए। सभी की नज़रें हम पर टिकी थी। वो मुझे अपनी बाहों में थामे परेशान नज़रों से देख रहा था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आमिर तब से मेरा होकर रह गया, मगर हम दोनों का मिलना किसी और को खल गया। और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की सहेली काया थी। काया ने उस दिन जब हम दोनों को साथ में इस तरह देखा तो न जाने उसे क्या हो गया, वो अचानक गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। मैं जब घर पहुँची तो वो तब भी उतने ही गुस्से में थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर इस गुस्से की वजह तो बता, तो वो कहने लगी कि हमने वादा किया था ना कि तुझे या मुझे कोई भी लड़का अगर पसंद आएगा तो हम लोग पहले एक दूसरे को बताएंगे, लेकिन तूने तो मुझे कुछ जाहिर तक नहीं होने दिया। मैंने उसे समझाया कि हमारे बीच अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार, वो तो एक हमारा नेचुरल इंट्रैक्शन था, जिस पर वो कुछ देर के लिए नॉर्मल हो गई और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से ये होने लगा था कि जब जब आमिर से मैं बात करती या वो मेरे नज़दीक आता तो काया को जलन होने लगती। वो अजीब बर्ताव करने लगती थी। उसका वो बर्ताव मुझे समझ नहीं आता था। यूं ही कुछ दिन बीते तो आमिर ने मुझे प्रपोज कर दिया और हम दोनों रिलेशन में आ गए। इस दौरान आमिर हमारे रूम में भी आने लगा, जिसे देख देख काया अपना मुंह बनाती रहती। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि काया को मुझसे प्रॉब्लम है या आमिर से, क्योंकि उसका रवैया हम दोनों के लिए एक जैसा ही था। मैं उससे पूछती रहती कि आखिर बात क्या है, मगर वो कुछ न बताती थी। वो खामोश रहती और अंदर ही अंदर न जाने क्या सोचती रहती थी। मेरे और आमिर के बीच नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थी कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, और ये बात हमने सबसे पहले काया को बताने की सोची थी। इसलिए उस दिन मैंने और आमिर ने मिलकर पूरा घर सजाया, खाना बनाया और भी बहुत कुछ। देर रात काया घर लौटी तो हमने उसका अच्छे से वेलकम किया। उसे स्पेशल फील करवाने के लिए आमिर ने सब कुछ उसकी पसंद का इंतज़ाम किया हुआ था, जिसे देखकर उस रात उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुश थी, उसने हमारे साथ सेलिब्रेट किया। लेकिन जैसे ही हमने उसे अपनी शादी करने की बात बताई तो उसका मूड बिगड़ गया, तो वो एकदम से बदल गई। उस दिन मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा देखा था। मैं और आमिर यही सोचते रह गए कि आखिर इसे हुआ क्या है। लेकिन वो एक दिन था जब वो वहाँ से चली गई और दोबारा नज़र नहीं आई। उसने कुछ कहा भी नहीं। मैं उसके इस रवैये पर बहुत परेशान थी। मैंने उससे कॉन्टैक्ट करना चाहा, मगर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके यूँ बिन बताए चले जाने का दुख तो मुझे बहुत हुआ था, मगर आमिर ने मुझे संभाल लिया था। फिर उसके कुछ महीनों के बाद आमिर और मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी कि तभी मेरी हल्दी वाले दिन कुछ यूँ हुआ। मैं अपनी हल्दी का पीला जोड़ा पहनने जा रही थी कि अचानक ही उसमें आग लग गई, और ये देख वहाँ सभी लोग घबरा गए। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से मेरी हल्दी वाले शगुन के एक एक सामान में आग लग गई थी और एक लम्हे में सब कुछ जलकर खाक हो गया था। आमिर और मेरे घर वालों को लगा कि ये शायद किसी लापरवाही के कारण हुआ होगा, लेकिन मेरे दिल में उस दिन से अजीब सा खौफ बैठ गया। अगले दिन मेहंदी और संगीत एक साथ रखा गया था। सारा फंक्शन बाहर लॉन में था। सभी खुश थे और नाच गा रहे थे। मेरी अम्मी मेहंदी की थाल लेकर मेरे पास आई और मेरी बलाएं उतारते हुए उन्होंने मेहंदी वाली से कहा कि इसे ऐसी मेहंदी लगाओ कि जिसका रंग खूब गहरा हो। मुझे मेहंदी लगनी शुरू हुई और मैं बहुत खुश थी कि अचानक यूं हुआ कि मेरी मेहंदी का रंग अपने आप गाढ़ा होता चला गया, यानी कि अभी मेहंदी पूरी तरह से लगी भी नहीं थी और अचानक वो लाल रंग में तब्दील होकर मेरे हाथों तक चढ़ने लगी। मेहंदी का रंग गाढ़े खून की तरह हो गया था। वो मेरे हाथों की नसों तक चढ़ती जा रही थी। ये नज़ारा देख वहाँ सबके दिल दहल उठे और सबके चेहरों पर खौफ का साया उमड़ आया। सभी उठकर भागने लगे।
मेरी अम्मी मेरा हाथ थामे चीखों पुकार कर रही थी और मैं आंखें फाड़े ये मंजर अपनी आंखों से देखती जा रही थी। एकदम से माहौल सन्नाटा हो गया। सभी फिक्रमंद होकर अपनी अपनी सोच बताने लगे। इस बात से मुझे गहरा सदमा पहुंचा था और आमिर मुझे समझाने में लगा हुआ था कि इस पर इतना मत सोचो। हालांकि बात सोचने ही वाली थी। रोज कोई ना कोई हादसा पेश आ रहा था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सब ने कहा कि सादगी से निकाह पढ़ा लो और हम सभी इस बात पर राजी हो गए। जिस दिन निकाह था उस दिन मौलवी साहब को बुलाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई। उन्होंने कहा ये शायद किसी जिन जिन्नात की शरारत होगी, मैं कुछ दम दरूद कर देता हूँ सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने वही किया। निकाह सादगी से होना था तो ज़्यादा बाहरी लोगों को बुलाया भी नहीं गया था। मैं निकाह का जोड़ा पहने बैठी हुई थी और अम्मी मेरे दुपट्टे में कुछ टाँक रही थी। उनके टाँकने के दौरान किसी ने उन्हें बुला लिया तो वो दुपट्टा वही साइड रख कर बाहर चली गई। अब जैसे ही वो बाहर निकली कि वैसे ही मेरे दुपट्टे में फिर से आग लग गई। मैं जोर से चिल्लाई, अम्मी अम्मी आग लग गई, जल्दी आओ। मेरी अम्मी सुनकर फौरन दौड़ते हुए आई। उनके आते ही लपक कर अम्मी के गले जा लगी और मैं रोने लगी। बाकी सब आग बुझाने में लगे हुए थे मगर वो आग थी कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये नज़ारा देख सभी बुरी तरह से हैरान हो गए थे। और तभी इसी बीच मौलवी साहब को बुलाया गया। वे कमरे के अंदर आए। उन्होंने कमरे के चारों ओर निगाह घुमाई और फिर आंख बंद करके कुछ पढ़ने लगे। हम सभी उन्हें देख रहे थे कि तभी उन्होंने अपनी आंखें खोलते हुए मेरे दुपट्टे की ओर देखा। वो बड़े गौर से उसकी ओर देख रहे थे और देखते देखते आग बुझ गई। हम सभी ने राहत की सांस ली और उनका शुक्रिया अदा किया। आमिर ने उनसे इन सभी हादसों का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कोई शैतानी चक्कर है, ये सब जो हो रहा है ये काले जादू का असर है और कोई ऐसा है जो चाहता है कि ये शादी ना हो। मौलवी साहब की बात पर हम सभी के चेहरे का रंग उड़ गया था। काला जादू? भला इस तरह का खौफनाक काम कौन कर सकता है? ये सोच सोच हम सभी परेशान हो रहे थे। हमने कुछ दिन के लिए निकाह रोक दिया और उसका पता लगाने लग गए जो ये सब हरकत कर रहा था। अब निकाह रुक जाने के कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल हो गया था। फिर एक दिन आमिर ने कहा कि वो अपने परिवार को लेकर हमारे घर में रहने आ रहा है। मैं हैरान थी कि अचानक ऐसा क्यों, तो उसने बात घुमा फिरा कर बताई और हम सभी मना भी नहीं कर सकते थे। अभी उसे 2 दिन ही हुए थे मेरे घर पर कि अचानक हमारे घर में अजीब अजीब वाक्यात पेश आने लगे, जैसे कि वो अगर मेरे लिए कुछ लाता या करता तो वो चीज़ ख़राब हो जाती थी। वही जब मैं आमिर के लिए चाय बनाती या खाना तो उसमें कभी नमक तेज हो जाता तो कभी चीनी, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे हाथ से आमिर की मम्मी की कीमती कपड़े जल गए। मैं उनके लिए कुछ करती तो वो ख़राब हो जाता। यानी कि ये सब ऐसा हो रहा था कि हमारे परिवार के बीच गलत फहमियाँ पैदा हो जाए और हम लड़ झगड़ कर ये रिश्ता ख़त्म कर दें। देखा जाए तो ये सब जो हो रहा था वो मेरे और आमिर के रिश्ते को तोड़ने के लिए किया जा रहा था। लेकिन हम दोनों मैच्योर थे, समझदार थे, तो हमने मिलकर सब संभाल लिया था। फिर एक दिन हम सभी एक साथ बैठे हुए थे कि अचानक वहाँ काया आ गई। काया को देख मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैंने उछलकर उसे गले से लगाया और खूब रोई। और उसे देखकर मैं हैरान भी हुई क्योंकि वो पूरी तरह से बदली हुई लग रही थी। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल भी लंबे हो चुके थे और वो अब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि ये बदलाव कैसे आया, तो उसने कहा बस यार समय के साथ आ गया। फिर मैंने उससे उसके जाने की वजह पूछी तो उसने कुछ ठीक से नहीं बताया और बात को काटते हुए मेरी शादी का पूछने लगी, जिस पर मैंने उसे उन हादसों के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो कुछ खास हैरान नहीं थी। बस उसने इतना ही कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। काया के वापस आ जाने के बाद मैं बहुत खुश थी और सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने एक रात कुछ आवाज़ें सुनी और ये आवाज़ शायद काया के रूम की तरफ से आ रही थी, तो मैं लपक कर उसके कमरे की ओर भागी।
कमरा हल्का सा खुला हुआ था और मेरे हाथ मारते ही वो पूरा खुल गया और दरवाज़ा खुलने के बाद जो मैंने देखा उसे देख मेरे होश उड़ गए। दरअसल जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि आमिर काया के ऊपर लेटा है, वो भी बिना शर्ट के, और काया खुद को उससे दूर कर रही है। आमिर को देखकर लग रहा था कि जैसे वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो और काया उसे खुद से हटाने की कोशिश में लगी हो। वो नज़ारा देख जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक कर रह गई थी। मैं तुरंत भागकर दोनों के पास पहुंची। मैंने आमिर को उसके ऊपर से हटाते हुए उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। वही काया रोते सिसकते मेरे गले लगकर बोली, ये अचानक मेरे रूम में आ गया। मैंने इससे पूछा कि क्या चाहिए, क्यों आए हो यहाँ? तो इसने कहा मुझे तुम चाहिए और कहने लगा, मैंने तुम पर तो ध्यान ही नहीं दिया था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। इसकी घटिया बात सुनकर जब मैंने इसे यहाँ से चले जाने को बोला तो ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वहीं आमिर अपनी सफाई में कहने लगा कि ये झूठ बोल रही है, मेरा यकीन करो समरा, ये काला जादू करती है, मैं इसके वश में आ गया था। मैं अपने कमरे में तो सो रहा था कि अचानक मेरे कानों में किसी के पुकारने की आवाज़ आई और मैं खुद ब खुद उठकर उस आवाज़ के पीछे चलने लगा। आमिर ने अपनी सफाई में बहुत सी बातें कही कि ये इस कमरे में बैठकर न जाने क्या कर रही थी, मैंने यहाँ काले जादू का सामान देखा है, ये सब जो अब तक होता आया है हमारे साथ वो यही करती आई है। आमिर की बातों ने मुझे परेशान करके रख दिया। मैंने कमरे के इर्द गिर्द निगाह घुमाई तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया जिससे कि ये लगे कि काया ने कुछ किया हो। वही काया उसे झूठ बताती हुई अपने आप को सच साबित करने में कामयाब हो गई और मैंने उसकी बातों पर यकीन करते हुए आमिर को जलील कर अपने घर से निकाल दिया और उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उस दिन उसने रो रो कर मुझे काया की सच्चाई बताने की कोशिश की थी मगर मैंने उसकी कही एक भी बात पर यकीन नहीं किया था। मैंने अपनी सहेली पर यकीन किया, वही सहेली जो मेरी ज़िंदगी तबाह करने पर तुली थी। आमिर के चले जाने के बाद मैं गमज़दा होकर खामोश बैठी रहती थी मगर काया चहकती महकती रहती थी। वो हमेशा मेरे पास बैठकर मुझे आमिर के बुरे होने का यकीन दिलाती रहती मगर मेरा दिल मानने को तैयार ना होता था। और ऐसे ही एक दिन मैं अकेली बाहर टहलने चली गई और वहाँ अचानक मेरे सामने आमिर आ खड़ा हुआ। इतने दिनों के बाद उसे देख मेरा दिल अंदर से बेचैन होने लगा। मैं उसे गले लगाकर रोना चाहती थी मगर उसने जो काया के साथ किया था वो सोच मेरे दिल पर खंजर चलते थे और मेरा दिल वो भूलने को तैयार ना था। मैंने उससे मुंह मोड़ा और वहाँ से जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और अपनी सच्चाई का सबूत देने लगा। उसने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। एक पल को मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था लेकिन जब उसने हमारी मोहब्बत की कसम दी तो मैं उसके साथ चल दी और वो वहाँ से मुझे लेकर एक मौलवी के पास पहुँचा। मौलवी साहब अपने सामने मोमबत्ती और एक गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे इशारा करके कहा कि मैं सामने बैठ जाऊँ और मैं बैठ गई। वो आँखें बंद करके कुछ पढ़ रहे थे। मैं हैरतजदा होकर बैठी थी कि तभी उन्होंने अपनी आँखें खोलते हुए मुझसे कहा कि वो तेरा घर कभी बसने नहीं देगी। तो मैंने कहा, कौन बाबा, कौन मेरा घर बसने नहीं देगी? तो बाबा ने कहा, अरे वही तुम्हारी सहेली काया, शादी के दिन से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है सब वही कर रही है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। तो मैंने कहा, बाबा मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये सारी चीज़ें मेरी सहेली नहीं की है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये लो नींबू, जिस पलंग पर तुम्हारी सहेली सोती है उसी पलंग के नीचे ये नींबू रख देना और अगर कल तक ये नींबू सूख जाएगा तो समझ लेना कि तुम्हारी सहेली ही काला जादू करती है। इसके बाद मैं घर आ गई और ठीक मैंने वैसा ही किया जैसा बाबा ने बताया था। और जब अगले सुबह मैंने पलंग के नीचे से नींबू उठाया तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वो नींबू सूख कर बिल्कुल काला हो गया था। ये देखकर मैं चुपचाप सीधा आमिर के पास पहुंची। आमिर मुझे मौलवी साहब के पास ले गए और उसके बाद हमने खामोशी से एक दूसरे के परिवार वालों को बुलाया। मौलवी साहब ने सबको समझाया कि आप लोगों को मिलकर उससे सामना करना होगा।
और हम सभी समझ गए। अगले दिन मैं आमिर के साथ घर पहुंची तो काया हमें साथ देखकर बौखला उठी। उसके चेहरे का रंग बिगड़ चुका था। वो मुझ पर भड़क कर बोली, तो फिर इस घटिया इंसान के साथ यहाँ आ गई, ये जानते हुए भी कि इसने मेरे साथ क्या किया है। उसने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई तो मैंने उससे बड़ी शांति से कहा, देखो काया, ये अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है और ये तुमसे माफ़ी मांगने आया है, इसे माफ़ कर दो। मेरी बात सुन वो गुस्से से तिलमिला कर बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और तू भी इसे यहाँ से दफ़ा कर, ये तेरे लिए अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मैंने कहा, नहीं, यही बेहतर इंसान है मेरे लिए और अब ये यहीं रहेगा हमारे साथ और हम दो दिन बाद शादी करने वाले हैं। काया ये सुनकर सर झटकती हुई चली गई। हमें तो पता ही था कि अब वो कुछ ना कुछ करने वाली है और उसकी तैयारी हमने पहले से कर रखी थी। रात को हम सभी चौकन्ने होकर अपने अपने रूम में थे कि तभी फिर वही हुआ कि आमिर के कानों में आवाज़ें आने लगी। लेकिन इस बार मौलवी साहब हमारे साथ थे और वो अपना दम दरूद पढ़ने लगे। काफ़ी देर हो गई जब काया ने देखा कि आमिर उसके वश में नहीं आ रहा है तो वो झुंझलाकर पागलों जैसी हरकत करने लगी और उठकर आमिर के कमरे में आ पहुंची, जहां हम सभी पहले से मौजूद थे। वो हम सबको एक साथ खड़ा देखकर घबरा गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो मेरे सामने सीधेपन का ढोंग करने लगी। तो मैंने आगे जाकर उसके मुंह पर एक तमाचा रख दिया और ये कहते हुए कहा कि तुम इतनी घिरी हुई और इतनी घटिया निकलोगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। तुमने ये सब मुझे आमिर से दूर करने के लिए किया, आखिर क्यों? काया मेरे थप्पड़ से बौखलाती हुई बोली, क्योंकि तूने मुझसे वादा किया था कि तू सिर्फ मेरे साथ रहेगी और जो भी करेगी मुझे बता कर करेगी मेरी मर्जी से, लेकिन तू इस इंसान के प्यार में पड़ गई, तूने मुझे छोड़ दिया। मुझे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं था, ये जानते हुए भी तूने इससे शादी करने का फैसला कर लिया और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने सोच लिया कि मैं तेरी शादी इससे होने नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे इसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मैं उसकी इन बातों को सुन सत्ते में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी जान से प्यारी सहेली मेरी जान के दुश्मन बन जाएगी। उस दिन मौलवी साहब ने उसके सारे काले जादू का काट कर मेरे घर को बांध दिया ताकि दोबारा कोई बुरी भला हम पर वास न कर सके। उस दिन काया के सारे काले जादू के सामान को जलाकर खाक कर दिया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो दिन है और आज का दिन काया फिर कभी हमारे आसपास नहीं भटकी और दोबारा कभी कोई हादसा पेश नहीं आया और फिर आमिर और मेरी शादी हो गई। उसके बाद हम खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये सारी कहानियाँ पसंद आई होंगी। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं बावन वीर के बारे में एक बहुत ही मस्त कहानी लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ यार, वीडियो को मैंने बहुत देर में अपलोड किया है, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। वैसे तो हर जगह पड़ रही है लेकिन हमारे साइड कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से यार तबीयत भी थोड़ी डाउन हो गई थी और भी कुछ प्रॉब्लम थी। बट कोई नहीं, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लॉन्ग स्टोरी लाया, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो यार प्लीज़ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।